देख रहे हैं बजट पर हमारी खास पेशकश। एक वैक्सीन चाहिए बजट के लिए, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। वित्त मंत्री ने दावा किया है कि इस बार का बजट बेहद खास और अलग होने वाला है। 100 साल में कभी ऐसा बजट पेश नहीं किया गया। जाहिर तौर पर एक ऐसी महामारी ने दुनिया भर में पैर पसार दिए हैं जिसने उथल पुथल मचा दी है। क्या ये बजट उस तूफान को शांत कर पाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। किस तरीके से ये बजट अलग रहने वाला है, क्या ये देश की चरमराती हुई अर्थव्यवस्था पर मरहम लगा पाएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। इसी पर आधारित है हमारी खास पेशकश। इस रिपोर्ट के जरिए जानिए कि क्या कुछ होने वाला है इस बार के बजट में। आत्मनिर्भर भारत का जिक्र सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2020 में किया था। ऐसे में भारत में सबसे सख्त लॉकडाउन में से एक लागू था। लोग अपने घरों में कैद थे और रोजाना कमाने वालों के लिए खाने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत योजना की नींव रखी गई और 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया गया। अब ये देखना होगा कि इस बार के बजट में इस योजना से कैसे सरकार आगे बढ़ती है, क्योंकि ये इस वक्त सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। The recent success of our scientists and technicians in developing two COVID vaccines is a matter of achievement for the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, which is driven by the spirit of global well-being. आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि हमारे देश को किसी भी आपदा, किसी भी महामारी या सामान्य जरूरतों में किसी भी दूसरे मुल्क का मुंह न ताकना पड़े। इसकी सबसे ताजा और आसान और कहा जाए तो सबसे बड़ी मिसाल है कोरोना वैक्सीन निर्माण। भारत ने अपने दम पर कोरोना की एक से ज्यादा वैक्सीन को विकसित किया और 16 जनवरी से देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो चुका है। साथियों, इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। यह अभियान कितना बड़ा है, इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है, और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। ये वैक्सीन केवल भारत तक ही सीमित नहीं है और दुनिया के कई देशों में इसका निर्यात भी शुरू हो गया है। ये है आत्मनिर्भर भारत मिशन की सबसे बड़ी सफलता, लेकिन ये केवल एक शुरुआत भर है। ये भरोसा भी है कि भारत जो ठान ले वो करके दिखा सकता है, लेकिन चुनौती इसके बाद से शुरू हो जाती है। दरअसल भारत की ये आत्मनिर्भर बनने की कहानी चीन को चुनौती देने के साथ शुरू होती है। गलवान घाटी में चीन का दुस्साहस और उसके सामानों के बहिष्कार ने इस मिशन को एक देशव्यापी आंदोलन बना दिया है। लेकिन समस्या ये है कि भारत के कई सेक्टर्स अपनी जरूरत के लिए चीन पर निर्भर हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का। भारत सरकार ने भी सबसे पहले इसी सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की ठान ली है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। 2014 में देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की केवल 2 फैक्ट्रियां थी, वहीं अब इनकी संख्या 268 पर पहुंच गई है। इसकी रफ्तार बढ़ाने के मकसद से ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी PLI शुरू की गई है। इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है और कई दिग्गज MNCs ने भारत में आकर प्लांट शुरू करने के लिए आवेदन किया है। योजना के तहत भारत में मोबाइल और इससे जुड़े उपकरण बनाने वाली कंपनियों का कारोबार अगले 5 साल में 10 लाख करोड़ पर पहुंचने की उम्मीद है। इनमें से 70% को निर्यात लक्ष्य के तहत रखा गया है। इस स्कीम के तहत सरकार कंपनियों को उनके उत्पादन के 4 से 6% के करीब इंसेंटिव देगी। मोबाइल स्मार्टफोन के अलावा देश को लैपटॉप, मशीन टू मशीन उपकरण, इंटरनेट आधारित उपकरणों का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी भी चल रही है। PLI स्कीम का मकसद है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मुहिम को बढ़ावा देना, लेकिन ये कदम आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए काफी नहीं है। PLI स्कीम का फायदा तब मिलेगा जब एक तय संख्या में प्रोडक्ट का निर्माण पूरा हो जाएगा, लेकिन इन कंपनियों को आते ही इस मोर्चे पर पहली मुश्किल का सामना करना पड़ा है।
सैमसंग और एप्पल के वंडर समेत कई मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स का कहना है वो पीएलआई के तहत इस साल के प्रोडक्शन टारगेट को हासिल करने से चूक सकती है। इसकी वजह है चिप की सप्लाई में कमी और कोविड-19 से पैदा हुई सप्लाई की दिक्कतें। अमेरिकी बैन की आशंका से डरकर हुवावे ने इलेक्ट्रॉनिक चिप का 2 साल का स्टॉक पहले ही खरीद लिया। इसकी वजह से सप्लायर्स ने भारतीय कंपनियों की सप्लाई 97% कम कर दी है। ऐसे में साफ है कि अकेले पीएलआई स्कीम से कुछ नहीं होगा, भारत को आत्मनिर्भर बनने की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए काफी कुछ हासिल करना होगा, जिसका रास्ता बजट दिखा सकता है। उत्तर प्रदेश ने जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से लोकल को ग्लोबल बनाने का प्रयास किया है, उसकी ब्रांडिंग की है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से, ODOP के माध्यम से, ऐसे ही अन्य राज्य भी करें। उत्तर प्रदेश इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और मेरा ये मानना है कि हर एक सेक्टर में आज जो उपलब्धियां हमारे सामने हैं वह कहीं ना कहीं इन परंपरागत उत्पादों के माध्यम से है। आत्मनिर्भर भारत यानी मैन्युफैक्चरिंग में खुद के पैरों पर खड़े होकर देश की आर्थिक रफ्तार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। आज तक ब्यूरो। ऑटो सेक्टर के लिए कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण इंजन साबित हो सकता है, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब GDP और रोजगार के लिहाज से ऑटो सेक्टर चीन पर निर्भर ना रहे। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उन्हें देखते हुए ये लगता है कि ऑटो सेक्टर का चीन के बगैर चलना और सरकना भी नामुमकिन सा है। ऑटो सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेदारी ऑटो कंपनियों के कंधों पर है। चीन में बने सामान पर निर्भरता खत्म करने के लिए ऑटो कंपनियां ऑटो पार्ट्स बनाने वाली भारतीय कंपनियों को तकनीक और कौशल से मदद करेंगी। मारुति, महिंद्रा, टाटा, हीरो मोटोकॉर्प, TVS मोटर और बजाज ऑटो जैसी दिग्गज भारतीय कंपनियों ने अपने वाहनों में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स को चीन से आयात करने की बजाय देश में तैयार करने का फैसला किया है। इसके लिए बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों की मदद करेंगी। इस सोच की तारीफ तो बनती है, लेकिन ये लक्ष्य कहने भर से हासिल नहीं होगा। फिलहाल मुहैया आंकड़ों के मुताबिक 2018-19 में चीन से $4.75 अरब के ऑटो पार्ट्स का आयात किया गया था। वाहनों को बनाने के लिए 60% रॉ मटेरियल का आयात चीन से होता है। भारतीय ऑटो सेक्टर में चीनी ऑटो पार्ट्स की 27% हिस्सेदारी है। 2018-19 में भारत ने वाहनों को बनाने के लिए $17.6 अरब के कलपुर्जों का आयात किया था, जिसमें से 25% आयात चीन से किया गया था। लेकिन कोरोना में सप्लाई चेन थमने से जिस तरह से कार कंपनियों को प्रोडक्शन का नुकसान हुआ था, उसे देखते हुए कंपनियां दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रही हैं। इन कलपुर्जों को भारत में तैयार करने के लिए उद्योग संगठनों की दलील है कि इम्पोर्ट ड्यूटी के 3 स्लैब बने, तैयार माल को स्टैंडर्ड लैब में रखा जाए, इंटरमीडियरीज को कम ड्यूटी के स्लैब में रखा जाए, वहीं कच्चे माल पर कोई शुल्क न लगे या सबसे कम स्लैब में रखा जाए। यानी कच्चे माल पर आयात शुल्क घटाया जाए और तैयार माल पर इसे बढ़ाया जाए। जाहिर है कि अगर आत्मनिर्भर भारत को बनाना है तो आयात को हतोत्साहित करना ही होगा और इसके लिए ड्यूटी बढ़ाना सबसे आसान है। इस बार आत्मनिर्भर भारत का रास्ता साफ करने के लिए सरकार कमर कसकर तैयार है। ऐसे में जो भारत में उत्पादन है उसे बढ़ाया जाए, इसके लिए जरूरी इंसेंटिव्स मुहैया कराए जाएंगे। साथ ही जो भारत आयात करता है दूसरे देशों से, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर इन्हें महंगा करा जाएगा। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस बार के बजट में कई कदम उठा सकती है। इसके लिए ऐसे रास्ते तैयार किए जाएंगे जिससे देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। इससे देश विदेशी सामानों पर निर्भर नहीं रहेगा और देश में ही हर सामान की मैन्युफैक्चरिंग होने से आत्मनिर्भर भारत मिशन को सफलता के साथ हासिल किया जा सकता है। इसके लिए सरकार कई सामानों का आयात महंगा करने जा रही है। बजट में इम्पोर्टेड स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और अप्लायंसेस पर ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। सरकार कम से कम 50 चीजों पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर रही है। इनमें 5% से 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
इन पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की एक वजह सरकार की कोरोना के चलते रेवेन्यू में हुई कमी भी है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर सरकार 20 से 21 हजार करोड़ रुपए का इंतजाम कर सकती है। बजट में जिन चीजों पर ड्यूटी बढ़ सकती है उनमें फ्रिज, एसी, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल हैं। कोरोना काल में कड़े इम्तिहान से गुजरने वाले हेल्थ केयर सेक्टर के खास हिस्से फार्मा सेक्टर को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में कई ऐलान किए जा सकते हैं। भारत का फार्मा सेक्टर करीब 40 अरब डॉलर का है। 2024 तक ये 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के पीएम के लक्ष्य को हासिल करने में ये बड़ा रोल निभा सकता है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी है, लेकिन दुनिया के दवा एक्सपोर्ट में इसका हिस्सा केवल 3.5% है। सबसे पहले जिन तीन सेक्टर्स को पीएलआई स्कीम के दायरे में लाया गया था उनमें फार्मा सेक्टर भी शुमार है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि बजट में सरकार फार्मा सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई बड़े ऐलान करेगी, जिससे देश के हेल्थ के आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब भारत में उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए और साथ ही उसे निर्यात भी किया जाए। लेकिन घरेलू खपत के बूते इस ग्रोथ को हासिल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा है। ऐसे में इन चुनौतियों को पार करते हुए कैसे सरकार इस मिशन को आगे बढ़ाएगी, ये इस बार के बजट में देखना होगा। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।